हेलो, नमस्कार, प्रणाम, महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फिर से एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। शादियों का सीजन चल रहा है भाई, तो मैं आपके लिए लाया हूँ चाट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में बनता है। और पालक, ऐसे जैसे कि आजकल बहुत अच्छे पालक मिल रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा पालक पत्ता चाट। चलिए दिखाते हैं कैसे बनता है। मैंने यहाँ पे पालक के पत्ते लिए, ये 16 से 17 पत्ते हैं, मीडियम साइज के पत्ते हैं। मैंने इसे अच्छे से धोकर 5 मिनट तक किचन टावल पे सुखा लिया है। घोल बनाने के लिए मैंने ये हाफ कटोरी बेसन लिया है। इसमें हमारे 15 से 16 पत्ते बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएंगे। ये इस कटोरी के बेसन मैंने हाफ कटोरी बेसन लिया है। और यहीं पे हम 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दे रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून हुआ और ये 2 टेबल स्पून अजवाइन हम डाल देंगे। हाथों से रब करके बहुत अच्छे से अजवाइन डाल दिया मैंने। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से डालिए। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम। ये मैंने नमक डाल दिया। ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा चुटकी भर हम खाने वाला सोडा डालेंगे। बहुत ही कम डालेंगे, चुटकी भर बस। ये मैंने इसमें चावल का आटा डाला, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे हमारे पकौड़े। कर ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका, जैसे पकौड़ों का बैटर बनाते हैं वैसा बैटर बना ले रहे हैं हम। मैंने घोल लिया, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है। मैंने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ी सी हल्दी डालना मैं भूल गया था। और मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूँगा इसमें। ये देखिए मैं चिली फ्लेक्स डाल दे रहा हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से लें। पालक की पत्तियां जो आप लें ना, वो नरम नरम लें, मीडियम साइज के लिए, तब आपके पतला पकौड़े बहुत अच्छे बने। तेल गरम होने रख दिया है। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जब तक हमारा गरम हो रहा है, मीडियम तेल हमें गरम करना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं। एक पालक का पत्ता हम लेंगे, इसे अच्छे से हम कोट कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए ये कोट हो गया हमारा, देख रहे हैं आप। बस अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पत्ता लेंगे, इसे भी हमने कोट कर दिया। और ये देखिए हमने दूसरा पत्ता भी डाल दिया। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें सेकना है। फ्लेम आप ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपकी पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं तीसरा पत्ता भी डाल दे रहा हूँ। ये देखिए जितनी आपकी जगह हो आपकी कढ़ाई में, आप उतने पत्ते डाल दीजिए। एक तरफ से पकौड़े हमारे सिक गए हैं, मैं इससे टर्न कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने टर्न कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम सारे पकौड़ों को, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं खाने में। पकौड़े हमारे दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं, आप देख रहे हैं। मैं अब इसे निकाल ले रहा हूँ। इसी तरीके से हम बाकी के भी बैचेस पकौड़े तल लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पे सेका है। पकौड़े हमारे बनकर बिल्कुल तैयार। ये देखिए कितनी क्रिस्पी करारे पकौड़े बने हैं, देख रहे हैं आप। चलिए मैं आपको इसकी चाट बना के दिखाता हूँ। 3-4 पालक के पकौड़े ले ले रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, ये देखिए आवाज़ सुनिए इसकी। इसे मैंने बिछा दिया। अब इसके ऊपर हम फिटी हुई दही डाल दे रहे हैं। दही डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने हरी चटनी बनाई थी, हरी धनिया की चटनी, चटनी डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इमली की चटनी डाल दे रहा हूँ, सौंठ, इमली की चटनी मैंने बनाई थी, ये डाल दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इमली की चटनी डाल दी। बहुत ही अच्छी लगती है ये चाट खाने में। आप ज़रूर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डाल दे रहा हूँ, थोड़ा काला नमक स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ, ज़ीरा पाउडर हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं यहाँ पे, भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं हम। मुझे तीखा पसंद है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालें। और यहीं पे हम ये बूंदी, मैंने घर पे ही बनी है, तो मम्मी ने घर पे बनाई थी। ये थोड़ी सी बूंदी है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, तो मार्केट में ही मिलता है। थोड़ी सी हम यहाँ पे 0 नंबर की सेव, नायलॉन सेव जिसे कहते हैं, वो डाल दे रहे हैं हम। ये देखिए मैंने दोनों टाइप के सेव डाल दिए हैं यहाँ पे। थोड़ी सी ऊपर से मैं और दही डाल दे रहा हूँ इसका लुक बढ़ाने के लिए। ये देखिए फिर से थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी।
अनार के दाने मेरे पास थे तो वो डाल दे रहा हूँ मैं। पालक पत्ता चाट बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही कम समय में बनती है, शादी ब्याह में बनने आप घर पे इसका मजा ले सकते हैं, बहुत ही इंस्टेंट बनता है। अगर आपके पास चटनियां हो तो झटपट बनाएं और खाएं, खुद भी खाएं और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो अभी तुरंत बनता है भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक कर दो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को डैम डिलीशियस बाय संदीप पांडे। ये देखिए मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ आपका, तो अच्छी लग रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो चला खाने, आप भी चाहिए आज बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसी बनी आपकी। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।